फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी दोस्त तनु गुप्ता मेरठ से, और आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिरेकल्स ऑफ कृष्णा में। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है नेवर स्टॉप चैंटिंग क्लीम मंत्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि क्लीम को आपने चैंट करते हो, जैसे आपकी विश पूरी हो गई है, पर उसको कभी स्टॉप ना करें, कभी उस मंत्र को खुद से दूर ना करें। पर आगे बढ़ने से पहले फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर आल्सो। फ्रेंड्स, जैसे हम सबकी विशेज होती हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं, हम क्लीम से चाहते हैं कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, हमारी जो भी विश है यानी विश वो कंप्लीट हो जाए, और आप उसको डिवोशन के साथ करोगे, आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी। आई एम वेरी श्योर, क्लीम एक मैजिकल मंत्र है, बहुत पावरफुल। जब तक हम कोई काम करते नहीं ना, तब तक हमें उसके बारे में नहीं पता होता। जैसे हम कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो हमें पता होता है कि वो कैसा है। सेम थिंग जब हम क्लीम को करेंगे तो हम उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा हम उसको चैंट करेंगे, उसको रिस्पॉन्स देंगे, वो हमें उससे 50 गुना 100 गुना ज़्यादा हमें देगा। कहने का मीन ये है, आपकी विश कंप्लीट हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, और होगी भी। आप बहुत मन से करेंगे तो आपकी विश डेफिनेटली जल्दी कंप्लीट होगी। क्लीम एक कंप्लीट मंत्र है और सब कुछ कर सकता है, एनीथिंग। बट क्लीम को कभी अपने से दूर ना करें। आपकी विश कंप्लीट हो गई, उसके बाद भी आप चैंट करते रहें। आज के टॉपिक में मेरा यही मोटिव है आपसे कहना कि आपकी विश कंप्लीट होने के बाद भी आप क्लीम को रोजाना ही चैंट करें। हाँ, आप टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अगर आप हाफ एन आवर करते हो तो आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स कर सकते हो, और अगर 20 मिनट्स भी नहीं कर सकते तो आप 10 मिनट्स कर लीजिए। बट उसको कभी स्टॉप ना करें चैंट करना, रोजाना करें। जब कोई काम हम करते हैं ना, तो उसके बाद हमारा वो काम कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम उसे छोड़ दें, तो एक तरह से ये हो गया कि हमने अपना काम निकलवा लिया, अब हम उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अप एंड डाउन तो हमारी लाइफ में आते रहते हैं, क्यों ना हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें। जैसे हम जब बीमार होते हैं तभी हम फ्रूट्स खाते हैं क्या, तभी हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, अपनी देखभाल करते हैं। हम वैसे भी तो सोचते हैं ना कि अपनी पहले से ही केयर करें, जिससे हमें कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए, हम बीमारी ना पड़े। तो सेम थिंग आपकी लाइफ में अप एंड डाउन्स, देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और ये हम सबके साथ होता रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। इसलिए आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स ज़रूर चैंट करते रहें रोज़ाना, उसको कभी बंद ना करें। क्योंकि अगर आपने एक बार उसको चैंट करना बंद कर दिया, उसके बाद वो काम नहीं करेगा, फिर से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और मे बी वो आपको वो रिज़ल्ट ना दे, वैसा आप पे इफेक्ट ना, आपको उसके जो इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं वो ना दिखें। तो इसलिए कभी उसे स्टॉप मत कीजिए, रोज़ाना करते रहिए, दिल से करते रहिए। आई होप कि आप पे भगवान की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहेगी, और क्लीम मंत्र की भी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। जी हाँ, भगवान पर विश्वास रखो और अच्छा काम करते रहो। बाय बाय।